हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़र हैं तो हमें कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ जाननी चाहिए जो हमारे फाइल या फोल्डर के बारे में को लेके है। जैसे कि हम लोग कभी भी अपने पर्सनल वर्क या तो ऑफिस वर्क करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हम काम करके अपने डेस्कटॉप या अपने ड्राइव में अपना कोई इम्पोर्टेंट फोल्डर को हम लोग छोड़ देते हैं, या तो डेस्कटॉप पे या तो फिर हम लोग इस तरह लोकल सी ड्राइव पे। जैसे कि ये देखिए, हमारा यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स एंड फाइल रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा वो प्राइवेट रहे, कोई देख ना पाए। जैसे ये मेरा वीडियो है, बहुत कोई अपने फ़ोटो वगैरह रखते हैं, या ऑफिस वर्क, ऑफिस के कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग चाहते हैं कि वो फाइल को कोई एक्सेस ना कर पाए या मेरा डेटा को कोई देख ना पाए। तो ऐसे समय में फ्रेंड हम लोग क्या करें? तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो है हमारा फोल्डर को हाइड करने के ऊपर, यानी कि फोल्डर को हम छिपाने के ऊपर है हमारा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार और आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे फोल्डर या फाइल के ऊपर, जो कि हम लोग उसे छिपाएंगे यानी कि हाइड करेंगे। जैसे देखिए, ये मेरा डी ड्राइव है, इसमें मेरा बहुत सारा फोल्डर है जिसे हम चाहते हैं कि ये जो मेरा फोल्डर है डी ड्राइव, ये दिखे ही ना। ये हम इसे अगर ओपन भी करेंगे ये अपने डी ड्राइव को, जैसे कि मैं इस डी ड्राइव को ओपन करूँगा, तो ये मुझे यहाँ पे शो ही ना हो। ताकि अगर ये यहाँ पे शो नहीं होगा तो ऑब्वियसली है कि कोई उसे ओपन नहीं कर पाएगा। तो इस ट्रिक को हम कैसे इस पे अप्लाई करेंगे, तो चलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। और प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रोसेस बाय प्रोसेस बतलाएंगे हम आपको बहुत ही आसान से। भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा अगर आप एक कंप्यूटर या यूज़र कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़र हैं तो। तो चलिए हम लोग इसको इस पर अप्लाई करके देखते हैं कि इसे हम कैसे हाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा डी ड्राइव है इसी को हम करते हैं। तो जिस फोल्डर को हमें हाइड करना होगा या छिपाना होगा उस पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमारा प्रॉपर्टीज़ शो करेगा नीचे, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, प्रॉपर्टीज़ पे आते ही हमारा यहाँ पे सबसे नीचे की ओर जनरल में ही रहने देंगे इसे, इस तरह जनरल पे क्लिक करके जनरल पे ही रहने देंगे। और नीचे देखिए, सबसे नीचे हिडन है, रीड रीड ओनली के ही नीचे हिडन है। अभी क्या है कि हमारा फाइल रीड के लिए अप्लाई किया हुआ है, रीड ओनली के लिए, तो यहाँ पे क्लिक है, पर हमें इसे हाइड करना है यानी कि छिपाना है। तो देखिए, इसे हम लोग हिडन पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो एक न्यू पॉपअप खुलेगा जिसमें फ्रेंड्स हमको ऊपर वाला पे क्लिक करना है जो कि है अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर ओनली, यानी कि हम बस अपने जिस फोल्डर एक ही फोल्डर पे हमको इसको अप्लाई करना है जिस पे हम राइट क्लिक करके ये ऑप्शन खोले हुए हैं। तो सबसे ऊपर वाला पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए, ये डिम हो गया और फिर हम इसे जैसे ही ओके करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये ऑलरेडी यहाँ से हट जाएगा। ये फ्रेंड्स देखिए, अभी यहाँ पे हटा नहीं है, ये नहीं हटने का रीज़न है क्योंकि ये शो किया हुआ है,
लेकिन ये देखिए ये दूसरे फोल्डर की तरह ये नहीं दिख रहा है, ये देखिए बहुत ही लाइट दिख रहा है ये इस देखिए बगल में जो ये फोल्डर है इसके माध्यम में ये कैसे किस टाइप का दिख रहा है। अभी से अगर हम ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जा रहा है और ये शो भी कर रहा है। चलिए इसे हम कट करके दिखाते हैं। ये लोकल डिस्क डी ड्राइव को हम किए हुए थे, देखिए अभी ये मेरा शो कर रहा है, लेकिन इसका लाइटिंग देखिए थोड़ा डिम है, यानी कि लाइट हल्का दिख रहा है ये। तो इसको पूरी तरह से छिपाने के लिए ये ऑटोमेटिकली छिप जाता है, बट इसे हम पहले भी छिपाए हुए थे और अभी हम आपको बतला पाएँ इसलिए इसको शो किए हुए थे। तो फ्रेंड्स हम इसके लिए चलेंगे अपने ये देखिए फोल्डर के ही ऊपर में हमें होम शेयर और व्यू का ऑप्शन आता है, जो कि हमें व्यू पे जाना है। व्यू पे क्लिक करते ही ये ऑप्शन हमारा खुलता है, सबसे साइड पे हमें चले आना है, यहाँ ऑप्शन पे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक पॉपअप खुलेगा जिस पे हमें जनरल पे आएगा, ऑटोमेटिकली वो जनरल पे ही खुलता है। तो हमें व्यू पे आना है, व्यू पे आते ही यहाँ पे देखिए डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर और ड्राइव, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है और अप्लाई ओके कर देना है। इसे कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जिस फोल्डर को हम हाइड किए थे उस फोल्डर का नाम मेरा है, ये देखिए लोकल ड्राइव में था ये, उस फोल्डर का नाम मेरा डी ड्राइव था, जो कि देखिए अब यहाँ पे शो वो नहीं कर रहा है, यानी कि अब मेरा फोल्डर कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से मेरा हाइड हो चुका है, छिप चुका है। तो फ्रेंड्स ये था छिपाने का ट्रिक, जो कि मेरा फोल्डर को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे सर्च भी करते हैं तो वो नहीं आएगा। ये फोल्डर खुलने का रीज़न यही है क्योंकि इसमें ड्राइव लिखा हुआ था नीचे, इसलिए मेरा फोल्डर नहीं आया। तो इसे हम कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था एक तरीका कि हम उसे कैसे हाइड करेंगे, कैसे छिपाएंगे। अब चलिए जानते हैं कि अगर हमें उसे फिर से अगर उसे एक्सेस करना हो तो, या उस फोल्डर से हमें कुछ निकालना हो या डालना हो, तो हम उसे कैसे फिर से व्यू करेंगे, यानी कि शो करेंगे। तो सेम प्रोसेस करना है फ्रेंड्स, ऊपर में हमारा व्यू का ऑप्शन है उसी पे क्लिक करना है, फिर से ऑप्शन पे ही जाना है और चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम व्यू पे क्लिक करेंगे और उस वक्त हमारा इस पे क्लिक था शो हिडन फाइल फोल्डर एंड ड्राइव, इसीलिए वो हमारा फोल्डर शो कर रहा था। अब क्या है कि अभी हमारा क्लिक है डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर और ड्राइव, इसीलिए वो छिप चुका है और वो दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स उसे हमें शो करने के लिए हमें इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई टू ओके कर देंगे। देखिए ये रहा मेरा ये डी ड्राइव अब शो कर रहा है। अब इसे हम ओपन भी कर सकते हैं और अपना किसी भी फाइल या फोल्डर को हम एक्सेस कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपने फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। अब हम जो इस पर लागू किए हैं, जैसे कि देखिए ये फोल्डर कितना अलग दिख रहा है इससे, क्योंकि इस पर एक प्रोसेस लागू किया गया है जो कि हिडन के लिए है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं अब मेरा फोल्डर पहले जैसा था वैसा ही हो जाए, तो उसके लिए हम फोल्डर पे ही क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, जैसे हम इस पे लागू किए थे उसी सेम उसी तरह हम इसे हटा सकते हैं। हिडन पे साइन है उस पर हम अनसाइन करके अप्लाई टू ओके कर देंगे। देखिए उस वक्त भी हमें ये पॉपअप खुला था और पूछा था कि क्या सिर्फ फोल्डर को करना है, तो अभी भी वही चीज़ पूछ रहा है। तो हमें सेम वही जो फर्स्ट टाइम किए थे उसी पे क्लिक करके ओके कर देना है और इधर से ओके कर देना है।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फोल्डर है ये सेम हमारा इसकी तरह हो गया। अब ये लाइट नहीं दिख रहा है, कलर इसका लाइट नहीं दिख रहा है, बराबर कलर में आ रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने किसी भी फोल्डर पे हिडन और छिपाने का अप्लाई कर सकते हैं। और आप तो देख ही लिए किस तरह से हम इसे शो भी किए, व्यू में जाके, ऑप्शन में जाके, और फिर इसमें जो हम लागू किए हुए थे वो भी हटा दिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपने फाइल, फोल्डर या किसी भी अपने डेटा में या डेटा या फाइल फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।